molecules moves randomly in the present space of the container so in gases the molecules can be present whole of the container and occupy the whole the space and they can moment randomly in the present space in liquid as you can see that in liquid as compared to solid these liquid particles can't occupy all the space or can't move all the space. Here, the molecules in gases moves randomly in space, but liquid has less intermolecular space or distance as compared to gases. Or if we compare it with solid, then solid particles can't move and they remain in their position, in their mean position, and there is much less space or negligible space present. Means there is very less intermolecular distance between the arrangement of Particles. There is in liquid, there is larger space or uh, la large as compared to solid, and in gases, there is much larger space present in the gases as compared to liquid. So, liquid is the we can say intermediate state between solid and liquid, okay.

क्वालिटी से पूर्ण ऐसे लेक्चर आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे परिष्कार आपको दे रहा है घर बैठे नौकरी लेने का मौका जी हाँ क्वालिटी से भरे हुए लेक्चर्स लीजिए और घर बैठे नौकरी लीजिए क्यों क्योंकि ये लेक्चर्स तैयार करेंगे तैयार करेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में देखिए किस तरीके से अंकिता मैम फिजिकल डिविजन को मैप के माध्यम से समझा रही है और ये मैप बिल्कुल आपके दिमाग पर छप नहीं को हम फोटो से अगर इस चीज को थोड़ा सा समझे तो लेट टू फॉर्मेशन ऑफ सी जो मैंने अभी आपको बात बताई थी तो जो formation है Tethys sea का between the Shield, जिसको हम अंगारा लैंड बोलते हैं इन द नॉर्थ पार्ट एंड गोंडवाना लैंड इन द साउथ पार्ट जो अपर पार्ट जो है अपर पार्ट इज अंगारा लैंड जिसको हम लोरेशियन भी बोलते हैं एंड लोअर पार्ट इज अ गोंडवाना लैंड सो so, ये जो अपना जुरेसिक जो ट्राइसिक पीरियड है टू हंड्रेड मिलियन ईयर्स अगो की बात हो रही है जो हमारे पीरियड जो आपने पढ़े होंगे तो उनमें जो हमारे जो ट्राइसिक पीरियड में ये जो हमारी पेंजिया थी आपको सबको पता है कि इंडिया जो है पहले हमारे इस पार्ट में नहीं था इंडिया यहां था तो ये धीरे 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 जो फॉर्मेशन हुए लाइक like जियो सिंकलाइन थ्योरी से एंड प्लेट टेक्टो, टेक्टोनिक थ्योरी से जो भी हमारा फॉर्मेशन हुआ और उस वजह से हिमालयास की जो ऑरिजन हम मेन मानते हैं वो उसी वजह से हमारे हिमालयास का ऑरिजन हुआ क्लियर है सो so, हिमालयास की ओरिजन में जो टू मेन पार्ट्स हैं दैट इज फर्स्ट इज अंगारा लैंड एंड सेकेंड इज गोंडवाना लैंड एंड इन इन बिटवीन अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड वॉट इज है। that क्वालिटी is, that is का नाम परिष्कार क्योंकि परिष्कार देता है क्वालिटी अपनी क्लासेज में अपने कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं कि, कि किस तरीके से अरविंद सर पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और यदि हाँ तो कैसे इसका रिप्लाई दे रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी क्लास में आइए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में और इस टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण मित्रों फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस आप अच्छे से जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे लाइट को ग्रहण करते हुए या प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं फोटोसिंथेसिस हरे प्लांट्स के अंदर चाहे वो एल्गी हो एलगी के अलावा ब्रायोफाइट हो चाहे वो टेरिडोफाइट हो चाहे वो एंजियोस्पर्म हो और चाहे वो जिम्नोस्पर्म का प्लांट हो कोई सा भी प्लांट हो सभी प्लांट्स में आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया देखने को मिलेगी क्योंकि इन सभी प्लांट्स में कोशिका का प्रकार यूकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक के साथ में इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होती है मित्रों जिन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं होती है इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्लांट्स के द्वारा दोहराई जाती है और प्लांट्स जो है वो स्वयपोसी होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अब देखिए ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वाटर की प्राप्ति प्लांट्स को रूट के द्वारा हो जाती है क्योंकि भूमि से ये वाटर ग्रहण करते हैं उसके बाद ये सौर ऊर्जा है एनर्जी कौन सी है सोलर एनर्जी है सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है वो प्लांट्स को प्राप्त होती है और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं मतलब लाइट चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और उसके बाद ये करते क्या है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ऑक्सीजन क्या होती है बाहर निकलती है और फॉर्मेशन किसका होता है C6H12O6 और ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का और ग्लूकोज क्या है एक पादपों में भोजन के रूप में एक पदार्थ बन रहा है और जो कि ग्लूकोज माना जाता है और ग्लूकोज के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा दोहराई जाती है इसलिए जो प्लांट है वो क्या कहलाते हैं मित्रों स्वेपोसी ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इनमें प्रकाश संश्लेषण की या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है परिष्कार की ज्योग्राफी जो एनिमेशन के साथ मैप्स के साथ डायग्राम्स के साथ हमेशा देखने को मिलती है परिष्कार की ज्योग्राफी को आसान बनाया जाता है यहाँ की फैकल्टी के द्वारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अजय सिंह साहू सर अर्थ क्विक वेब्स को समझा रहे हैं बहुत ही सरलता के साथ So so far we have been studying about the Earthquake waves, right? P waves, S waves, and L waves. You know about their properties. So let's apply them in this animation. We can see this one. This is a house on the surface of the earth, and this is the point where a earthquake is generated, right? So let it start again. So a earth occurred, earthquake occurred, and P waves is running fast because they are they travel faster. Secondary waves reaches the second moment. At uh, we can say the secondary waves are slower than the P waves, but they are faster than the L waves. And at the end, L waves reaches. And L waves, since they are uh, they are the surfaces, they cause the maximum damage to it. So let's have a look at it right uh, once again, and we can see the L waves will cause the damage to the house because the P waves and secondary waves. P waves, what did P waves did? They just bounce the house. They are just they bounce the house like this, and S waves they move the house like this, from to and fro, like in the horizontal plane. And the L waves they cause the complete damage or they demolish the house. So that is the reason in earthquakes the most of the damage is done by the L waves, which are also known as the Love or the Long waves. But they are they don't go with the name Love. No, not so, not like that, right? फ्रेंड्स ये थी परिष्कार की क्वालिटी के छोटी सी झलक बी एस सी बी ए बी कॉम बी सी ए और साथ ही कॉम्पिटन की तैयारी के लिए परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस यानी हिंदी मीडियम और परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज यानी इंग्लिश मीडियम के वेल क्वालिफाइड सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स के द्वारा ये क्वालिटी लेक्चर्स तैयार किए गए हैं और इस क्वालिटी को लेकर परिष्कार के बहुत सारे विद्यार्थियों ने लाखों विद्यार्थियों और हजारों कॉलेज में, में मेरिट में अपना स्थान बनाया है आप भी उस मेरिट में आ सकते हैं और हाँ गवर्नमेंट जॉब लेकर अपने करियर को ऊँची उड़ान दे सकते हैं तो दोस्तों आज ही परिष्कार के दोनों चैनल परिष्कार वर्ल्ड और परिष्कार कॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्जेक्ट्स के मॉडल लेक्चर से आपको क्वालिटी का अंदाजा खुद ही हो जाएगा और इस क्वालिटी को लेकर के आप आई ए आर एस जूनियर अकाउंटेंट एस रेलवे बैंक पटवार आदि में यदि नौकरी पक्की करना चाहते हैं तो हमारे ऐप परिष्कार वर्ल्ड को आज ही डाउनलोड करिए और हमारे ऐप में अवेलेबल सभी कोर्सेज को लेकर अपनी सही दिशा तय कीजिए